अवाम ने एहतियात नहीं की, अब हम सख्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को आगाह कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद कर देना है, कोरोना का फैलाव रोकना है और मईशत भी चलानी है। मजीद कहा, हम कारोबार का मौका दे रहे हैं, अवाम भी एहतियात करें। इंतजामिया और रजाकार मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। कोरोना के हवाले से 10,000 बेड्स तैयार हैं, पंजाब में 2,000 बेड्स मजीद तैयार किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत की गुफ्तगू बोली, पंजाब में 3,055 मरीज और 193 वेंटिलेटर्स हैं। एक्टेमरा इंजेक्शन के अच्छे नतीजे आ रहे हैं, अमरीका से एक्टेमरा के इंजेक्शन इम्पोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसादे कोरोना के हवाले से इजलास, शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म का लाहौर में बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, शुरका को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। शहर में सिर्फ रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर में मजीद एक रोज की तोसी, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें, कोरोना की सूरत हाल और फैलाव, असबाब और सदेबाब की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म। जिंदा दिलों का शहर, वबा के निर्गे में 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 11 वार, 91 दिनों में जामहक अफराद 325 हो गए। 1,342 नए केसेस से कोरोना पॉजिटिव, 25,000 से मुतजावज, हॉस्पिटल्स में दाखिल तशवीशनाक मरीजों में भी इजाफा। वेंटिलेटर पर जिंदगी की जिदोजहद करने वाले 135, ICU में 191 और कोरोना वार्ड्स में 749 मरीज से इलाज। कोरोना लाहौर पुलिस पर भारी, शहरियों को वबा से बचाने की ड्यूटी देने वाले गैर मामूली तौर पर मुतासिर। मजीद 11 SHOs और 11 DSPs वायरस का शिकार, 13 इंस्पेक्टर्स, 9 सब इंस्पेक्टर्स, 14 ASIs की तशखीसी रिपोर्ट्स भी मुस्बत, थानों में काम मुतासिर। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट में कोरोना फंड्स की तजवीज़, वबा से शहरी तहफ़ुज़ और वैक्सीन की मद में 13 अरब मुख्तस करने की समरी, वज़ीर आला को अरसाल। सूबे के तरक्याती बजट में भी 9 अरब कोरोना के लिए रखे जाएंगे। जिले इंतजामी SOPs पर अमल दरामद में नाकाम, ट्रैफिक पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट ने भी गफलत बरती। शहर में चलने वाली गाड़ियों, चिंगची रिक्शों और इंटरसिटी बसों में मुकर्रा SOPs की डटकर खिलाफ वर्जी की गई। सूबाई हुकाम ने कोरोना मरीजों में इजाफे का मलबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया, वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए जान बचाने वाले इंजेक्शन की फ्राहमी, मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन एक्टेमरा फ्राहम कर दिया गया। न्यू हॉस्पिटल के 15 तशवीशनाक मरीजों के लिए 60, जनरल हॉस्पिटल और PKLI में जेर इलाज 12-12 मरीजों के लिए 48-48 इंजेक्शन फ्राहम। सर्विसेज समेत दीगर हॉस्पिटल्स के लिए भी इंजेक्शन की तादाद मुकर्रर। मौत के व्यापारी जिंदगी के सौदागर बन गए, कोरोना मरीजों की जान बचाने वाला 12,000 का इंजेक्शन 2.5 से 6 लाख में फरोख्त करने वाला मकरूफ माफिया बेनकाब। जिले इंतजामिया की ट्रैप के हमराह कार्रवाई, मेडिसिन ब्लैक मार्केट माफिया के 6 अरकान गिरफ्तार, बड़ी तादाद में एक्टेमरा इंजेक्शन बरामद कर लिए। सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में खौफनाक आतिशबाजी, आग के शोले पहली मंजिल तक बुलंद, मरीज और लवाहिकीन फौरी सर्जिकल वार्ड से मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू अमले ने 1 घंटे में सूरत हाल पर काबू पा लिया। प्रिंसिपल सिम्स के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी, डॉक्टर अयाज महमूद की आतिशबाजी से किसी जानी नुकसान की भी तरतीब। वज़ीर आला का वाक़े पर नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अवाम ने एहतियात नहीं की, अब हम सख्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को आगाह कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद कर देना है, कोरोना का फैलाव रोकना है और मईशत भी चलानी है। मजीद कहा, हम कारोबार का मौका दे रहे हैं, अवाम भी एहतियात करें। इंतजामिया और रजाकार मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। कोरोना के हवाले से 10,000 बेड्स तैयार हैं, पंजाब में 2,000 बेड्स मजीद तैयार किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत की गुफ्तगू बोली,
पंजाब में 3,055 मरीज और 193 वेंटिलेटर्स हैं। एक्टेम्रा इंजेक्शन के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अमेरिका से एक्टेम्रा के इंजेक्शन इंपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसादे कोरोना के हवाले से इजलास, शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म का लाहौर में बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, शुरका को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। शहर में सिर्फ रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर में मजीद एक रोज की तोसी, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें। कोरोना की सूरत हाल और फैलाव, असबाब और सदेबाब की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म। जिंदा दिलों का शहर वबा के निर्गम, 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 11 अमवात। 91 दिनों में जामहक अफराद 325 हो गए। 1342 नए केसेस से कोरोना पॉजिटिव 25,000 से मुतजावज। हॉस्पिटल्स में दाखिल तशवीशनाक मरीजों में भी इजाफा। वेंटिलेटर पर जिंदगी की जदोजहद करने वाले 135, ICU में 191 और कोरोना वार्ड्स में 749 मरीज से इलाज। कोरोना लाहौर पुलिस पर भारी, शहरियों को वबा से बचाने की ड्यूटी देने वाले गैर मामूली तौर पर मुतासिर। मजीद 11 SHOs और 11 DSPs वायरस का शिकार। 13 इंस्पेक्टर्स, 9 सब इंस्पेक्टर्स, 14 ASIs की तशखीसी रिपोर्ट्स भी मुस्बत। थानों में काम मुतासिर। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट में कोरोना फंड्स की तजवीज। वबा से शहरी तहफ़ुज़ और वैक्सीन की मद में 13 अरब मुख्तस करने की समरी, वज़ीर आला को अरसाद। सूबे के तरक्याती बजट में भी 9 अरब कोरोना के लिए रखे जाएंगे। जिले इंतजामी SOPs पर अमल दरामद में नाकाम, ट्रैफिक पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट ने भी गफलत बरती। शहर में चलने वाली गाड़ियों, चिंगची रिक्शों और इंटरसिटी बसों में मुकर्रा SOPs की डटकर खिलाफ वर्जी की गई। सूबाई हुकाम ने कोरोना मरीजों में इजाफे का मलबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया। वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए जान बचाने वाले इंजेक्शन की फ्राहमी, मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन एक्टेम्रा फ्राहम कर दिया गया। न्यू हॉस्पिटल के 15 तशवीशनाक मरीजों के लिए 60, जनरल हॉस्पिटल और PKLI में जेरे इलाज 12-12 मरीजों के लिए 48-48 इंजेक्शन फ्राहम। सर्विसेज समेत दीगर हॉस्पिटल्स के लिए भी इंजेक्शन की तादाद मुकर्रर। मौत के व्यापारी जिंदगी के सौदागर बन गए। कोरोना मरीजों की जान बचाने वाला 12,000 का इंजेक्शन 2.5 से 6 लाख में फरोख्त करने वाला मकरूह माफिया बेनकाब। जिले इंतजामिया की ट्रैप के हमराह कार्रवाई, मेडिसिन ब्लैक मार्केट माफिया के 6 अरकान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में एक्टेम्रा इंजेक्शन बरामद कर लिए। सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में खौफनाक आतिशबाजी, आग के शोले पहली मंजिल तक बुलंद। मरीज और लवाहिकीन फौरी सर्जिकल वार्ड से मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू अमले ने 1 घंटे में सूरत हाल पर काबू पा लिया। प्रिंसिपल सिम्स के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। डॉक्टर अयाज महमूद की आतिशबाजी से किसी जाने नुकसान की भी तरतीब। वज़ीर आला का वाक़े पर नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। अवाम ने एहतियात नहीं की, अब हम सख्ती करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को आगाह कर दिया। कहते हैं लॉकडाउन का मतलब सारी मईशत बंद कर देना है, कोरोना का फैलाव रोकना है और मईशत भी चलानी है। मजीद कहा, हम कारोबार का मौका दे रहे हैं, अवाम भी एहतियात करें। इंतजामिया और रजाकार मिलकर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे। कोरोना के हवाले से 10,000 बेड्स तैयार हैं। पंजाब में 2,000 बेड्स मजीद तैयार किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत की गुफ्तगू बोली, पंजाब में 3,055 मरीज और 193 वेंटिलेटर्स हैं। एक्टेम्रा इंजेक्शन के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। अमेरिका से एक्टेम्रा के इंजेक्शन इंपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसादे कोरोना के हवाले से इजलास, शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आज़म का लाहौर में बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश, शुरका को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। शहर में सिर्फ रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर में मजीद एक रोज की तौसी। वज़ीर-ए-आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें, कोरोना की सूरत हाल और फैलाव, असबाब और सदेबाब की तजावीज पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म। जिंदा दिलों का शहर, वबा के निर्गे में 24 घंटों के दौरान वायरस से मजीद 11 अमवात। 91 दिनों में जाम हक अफराद 325 हो गए। 1342 नए केसेज से कोरोना पॉजिटिव, 25,000 से मुतजावज। हॉस्पिटल्स में दाखिल तशवीशनाक मरीजों में भी इजाफा। वेंटिलेटर पर जिंदगी की जिदोजहद करने वाले 135, ICU में 191 और कोरोना वार्ड्स में 749 मरीज से रहे इलाज। कोरोना लाहौर पुलिस पर भारी, शहरियों को वबा से बचाने की ड्यूटी देने वाले गैर मामूली तौर पर मुतासिर। मजीद 11 SHOs और 11 DSPs वायरस का शिकार। 13 इंस्पेक्टर्स, 9 सब इंस्पेक्टर्स, 14 ASIs की तशखीसी रिपोर्ट्स भी मुस्बत। थानों में काम मुतासिर। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट में कोरोना फंड्स की तजवीज़। वबा से शहरी तहफ्फुज़ और वैक्सीन की मद में 13 अरब मुख्तस करने की समरी। वज़ीर-ए-आला को अरसाल, सूबे के तरक्याती बजट में भी 9 अरब कोरोना के लिए रखे जाएंगे। जिले इंतजामी SOPs पर अमल दरामद में नाकाम। ट्रैफिक पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट ने भी गफलत बरती। शहर में चलने वाली गाड़ियों, चिंगची रिक्शों और इंटरसिटी बसों में मुकर्रर SOPs की डटकर खिलाफ वर्जी की गई। सूबाई हुकाम ने कोरोना मरीजों में इजाफे का मलबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब को रिपोर्ट पेश। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों के लिए जान बचाने वाले इंजेक्शन की फ्राहमी। मुख्तलिफ टीचिंग हॉस्पिटल्स को जरूरत के मुताबिक इंजेक्शन एक्टेमरा फ्राहम कर दिया गया। न्यू हॉस्पिटल के 15 तशवीशनाक मरीजों के लिए 60, जनरल हॉस्पिटल और PKLI में जेरे इलाज 12 मरीजों के लिए 48 इंजेक्शन फ्राहम। सर्विसेज समेत दीगर हॉस्पिटल्स के लिए भी इंजेक्शन की तादाद मुकर्रर। मौत के व्यापारी जिंदगी के सौदागर बन गए। कोरोना मरीजों की जान बचाने वाला 12,000 का इंजेक्शन 2.5 से 6 लाख में फरोख्त करने वाला मकरूफ माफिया बेनकाब। जिले इंतजामिया की ट्रैप के हमराह कार्रवाई। मेडिसिन ब्लैक मार्केट माफिया के 6 अरकान गिरफ्तार। बड़ी तादाद में एक्टेमरा इंजेक्शन बरामद कर लिए। सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में खौफनाक आतिशबाजी। आग के शोले पहली मंजिल तक बुलंद। मरीज और लवाहिकीन फौरी सर्जिकल वार्ड से मुंतकिल कर दिए गए। रेस्क्यू अमले ने 1 घंटे में सूरत हाल पर काबू पा लिया। प्रिंसिपल सिम्स के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। डॉक्टर अयाज महमूद की आतिशबाजी से किसी जाने नुकसान की भी तफ्तीश। वज़ीर-ए-आला का वाकये पर नोटिस, हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली।